हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल ब्रेक माय लव में। अब तक हमने सुना लैंस रणवीर को बैक करते हैं और उसने उससे सवाल भी पूछा था आखिर वो उसके फ़ोन के साथ क्या कर रहा है। तब वीर थोड़ा घबरा जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर एक लॉन्ग ब्रीथ लेने के बाद कहता है, लज्जा क्या तुम मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओगी? वो बहुत स्वीटली कहता है। लैंस रण तो एक क्रीपी सा फेस बनाता है पर वो कुछ कहता नहीं है, बस वीर से दूर हो जाता है। तभी लैंस रण की तरफ देखता है जो बेड पर लेटा हुआ था, उसके हाथ में उसका फोन होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लैंस रण अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हैं और कहता है, तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड जानना है? तभी हमें सीर आते हैं। तब लैंस रण कहता है, मैं भला तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताऊंगा। तभी मन में गुस्सा करता है लेकिन ऊपर से बहुत प्यारी से स्माइल करता है और कहता है, लज्जा मैंने तो तुमसे मैरिज कर ली है, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो तुम मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दो ना। तब लैंस रण कहता है, ठीक है बता दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अगर तुम मुझे खुश कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दूंगा। वो ऐसा कहकर अपनी आँखें ब्लिंक करता है। तब वे कहता है, चुपचाप सो जाओ, अब मुझे तुम्हारे फ़ोन के पासवर्ड जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये चीज़ भी वो सख्ती से कहता है। तब लैंस रण कहता है, हाँ मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा रूड है। और वो ऐसा कहकर वी के हाथों को पकड़ता है और अपनी तरफ उसे खींचता है। वी तो उसकी तरफ थोड़ा झुक जाता है। लैंस रण तब तो वी को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। वो एक टेडी बियर की तरह उसे हक करके सो रहा होता है। उसने अपने लेग को वी के ऊपर रखा हुआ था। वी तो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, वो खुद को थोड़ा चुराने की कोशिश करने लगता है। तब लैंस रण की पकड़ उस पर टाइट हो जाती है तो वो खुद को चुराने की कोई भी स्ट्रगल नहीं करता और यहाँ पर ये सीन कट होता है। अब अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंस रण के रूम का अलार्म बजता है। लैंस रण की आँखें खुल जाती है और वो उठकर अपने सर को पकड़ता है। आखिरकार उसने इतना ड्रिंक किया था तो उसको हेडेक हो रहा होता है। वी की भी नींद तो उस अलार्म की वजह से खराब हो जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, आह ये अलार्म किस बेवकूफ ने लगाया। वो अपने पास के पिलो को उठाकर अपने कान के ऊपर रख लेता है। वो अलार्म तो अभी भी बजा होता है। तब वी उठकर देखता है और उस अलार्म को बंद करता है। वो काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा होता है क्योंकि उसे इस तरह से जागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो दोबारा पेट पर आकर सोने लगता है। तब लैंस रण कहता है, वी अगर तुम जाग चुके हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। तब वी कहता है, मैं ठीक से नहीं सो पाया था, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ और मुझे कम से कम 10 बजे तक तो उठाना ही मत। ये सुनकर लैंस रण उसकी तरफ देखता है पर वो कुछ कहता नहीं है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो थोड़ी देर बाद जब वापस आता है वी तब भी सोया हुआ था। तब लैंस रण वी को उठाते हुए कहता है, वी चलो उठो, हमें आगे की रिचुअल पूरी करने के लिए लैंड पैलेस जाना होगा। और वो वी के ब्लैंकेट को खींच रहा होता है पर वी उसे टाइटली पकड़ के रखता है और वो बिल्कुल भी उठना नहीं चाह रहा होता है। तब लैंस रण जोर से चिल्लाता है, वी क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तब वी उठकर बैठ जाता है और इरिटेट होकर कहता है, आखिर तुम्हारे लैंड परिवार में आगे कितने रिचुअल हैं, मैं थक चुका हूँ। इन सारे रिचुअल को पूरी करते हुए मेरे समझ में नहीं आता इतनी सारी रिचुअल को आगे पूरी करनी ही क्यों है। लैंस रण अपने सर पर मसाज करता हुआ कहता है, वी ज्यादा लेजी मत बनो और जाकर फ्रेश हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंक दूंगा। तब वी मुंह बनाता हुआ कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तब लैंस रण हंसकर कहता है, कष्ट कैसा, ये तो मेरी ओनर की बात है, चलो मैं तुम्हारी बात लेने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा कहकर लैंस रण अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा होता है तो वी उसके हाथ पर मार कर वहाँ से जाने लगता है। तब लैंस रण पीछे से कहता है, अरे मैं तुम्हें ये हेल्प कर देता हूँ। ये सुनकर वी कहता है, चुप करो सैमलेस। और यहीं पर ये बस सीन कट होता है और इसके अगले सीन में देखते हैं वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लैन कुरैन चिपुजन से कहते हैं, सिजैन क्या तुम भी हमारे साथ पैरिस चलोगे? तब चिपुजन कहते हैं, नहीं अंकल मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता, हाँ अगर मेरा काम खत्म होता है तो मैं पैरिस आ जाऊंगा। ये सुनकर लैन कुरैन नोट करते हैं। तब चिपुजन फिर कहते हैं, अंकल मैं चलता हूँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है। ऐसा कहकर तो चिपुजन वहाँ से चले जाते हैं। तब लैन कुरैन वी से थोड़ा कुछ बातें करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वी और लैंस रण लैंड कुरैन के साथ पुराने लैंड पैरिस आए होते हैं।
वापस वो अपने एंसेस्टर को ग्रेट करते हैं और अपने रिचुअल को पूरी करते हैं। रिचुअल के पूरी करते दौरान लैंड कुरियर उन्हीं के साथ थे और रिचुअल पूरी हो जाने के बाद वो लैंसन से कहते हैं, तुम वी को पूरा पैलेस दिखा दो और आज रात के तुम दोनों यहीं रुकना, ठीक है? तब लैंसन नोट करता है और वो वी के साथ पैलेस में घूम रहा होता है। वे तो घूमते हुए पैलेस में काम करते हुए सर्वेनु को ही देखे जा रहा था। उसकी नजर तो उनसे हटी नहीं रही थी। असल में उन्होंने एशियन रोब पहने थे जो काफी अडोबल लग रही होती है। तभी लैंसन कहता है, वी हम चले यहाँ से, पर वी कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तब लैंसन वी के कानों पर विस्पर करता हुआ कहता है, वो लड़की तो काफी ज्यादा पेटी लग रही है। तब वी हमें सही लाता है। तब लैंसन आगे कहते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड के सामने किसी और को डालना अच्छा नहीं होता है, तुम्हें इससे परेशानी होगी। ये सुनकर तो वी के सामने ठंडी आभा छा जाती है और वो लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन अपना दांत पीस रहा होता है। वी वेट से स्माइल करता हुआ कहता है, कौन दार रहा है? तब लैंसन कहता है, तुम उस लड़की को घूर घूर के क्यों देख रहे हो? ये सुनकर वी कहते हैं, क्योंकि वो अच्छी लग रही है। तब लैंसन कहते, अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही का क्या मतलब है? हाँ, तो वी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उस लड़की के पास जाता है और उसका नाम पूछने लगते हैं। वो लड़की अपना नाम लिली बताती है। वो तो दिखने में एक टीनेजर लग रही होती है। लैंसन लिली से कहता है, लिली आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब लिली जवाब देती है, सेकंड यंग मास्टर, मैं तो बस काम कर रही हूँ। तब लैंसन कहते हैं, वही तो, तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत? आखिर तुम्हारी मदर कहाँ गई? लैंसन उस लड़की को जानता है, वो इस पैलेस की देखभाल करने वाले की बेटी है। तभी लिली कहती है, सेकंड यंग मास्टर, आप इतना जोर क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस सफाई कर रही हूँ। तभी कोई वहाँ लिली पुकारता हुआ वहाँ आ रहा होता है तो लिली भागने लगती है। तब लैंसन उसे पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम कहाँ भाग रही हो? तो लिली कहती है, सेकंड यंग मास्टर, अगर मैं पकड़ी गई ना तो मैं आपके चाय में कॉकरोच डाल दूंगी और फिर मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, लिली की मदर आकर कहती है। तब लैंसन उसे छोड़ देता है और तब लिली की मदर आकर उसे पकड़ लेती है। उसके कानों को ओढ़ते हुए कहती है, तुम बदमाश लड़की, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर आकर भटकने से। तब लिली कहती, आह मदर छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी लैंसन कहते हैं, लिटिली उसे जाने भी दीजिए, वैसे भी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए उसे पनिश किया जाए। ये सुनकर लिली कहती है, काइंड हार्ट बनने का दिखावा मत करो, तुम तो मन में यही चाहते हो मुझे पनिश किया जाए। यू डेविल, तुम्हारी वजह से मैं पकड़ी गई हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे चाय में कॉकरोच डालूंगी और तुम्हें आज तो बहुत ज्यादा तंग करूंगी। ये सुनकर तो लैंसन अपनी भावे उड़ाता है और लिली की मदर उसके कान और जोर से बोलती है। तो लिली चिल्लाती है, आह दर्द हो रहा है। तब लिली की मदर कहती है, लिली तुम कुछ 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हो, तुम किस तरह की हरकतें करती हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और तुम यंग मास्टर से किस तरह से बातें कर रही हो, अभी उनसे माफी मांगो। ये सुनने के बाद भी लिली माफी नहीं मांगती। वी तो लिली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। आखिरकार वो लैंसन को खुलेआम धमकियां जो दे रही थी, ये काफी इम्प्रेसिंग है। लिली की मदर उसके कान को और उसको बोलती है। तब लिली कहती, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो मैं मांग रही हूँ। फिर वो लैंसन की तरफ देखते हुए कहती है, मैं और तुमसे माफी मांगू, भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वो लैंसन को चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग निकलती है। लिली की मदर तब अपना सिर पीटती है, हे भगवान इस लड़की का मैं क्या करूँ। और फिर लैंसन से कहती है, सेकंड यंग मास्टर, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ, उसकी बदतमीजी के लिए उसे आप माफ कर दीजिए। तब लैंसन कहता है, लेडी ली इसे जाने दीजिए, वैसे भी मैं उसकी बातों को ज्यादा माइंड नहीं करता हूँ। तब लेडी ली उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है। तब लैंसन वी से कहता है, चलो हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो वी का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों पैलेस के पीछे वाले एरिया की तरफ आते हैं। तब वी कहता है, लैंसन आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब लैंसन कहता है, तुम बस चलते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा। और कुछ दूर आगे चलने के बाद वी को छलने की आवाज़ आने लगती है, तो वो आवाज़ का पीछा करता हुआ छलने के पास आ जाता है। वी की नज़र तब बटरफ्लाई पर भी पड़ती है जो झाड़ियों के आसपास उड़ रही होती है। वी तब उनके थोड़े करीब जाता है तो वो उनमें से एक बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो सारी बटरफ्लाई वहाँ से उड़कर इधर उधर चली जाती हैं। वहाँ की तो वादियाँ काफी ज्यादा अच्छी थी। वी बस बटरफ्लाई को उड़ते हुए देख रहा होता है, इतने में एक बटरफ्लाई उसकी नोज पे आकर बैठ जाती है। तब वी उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए अपने हाथ
उस बटरफ्लाई के पंख पर ले जा रहा होता है। इतने में थोड़ी सी आवाज हो जाती है और वो बटरफ्लाई उड़कर भाग जाती है। वी तब लेंसर की तरफ देखता है। असल में लेंसर का पैर सूखे वाली लकड़ी के ऊपर आ गया था और वो लकड़ी टूट गई थी तो आवाज हो गई थी तो बटरफ्लाई उड़ जाती है। तो वी लेंसर से कहता है, मैं उसे पकड़ना चाहता था पर तुम्हारी आवाज करने की वजह से वो उड़ गई। इस पर लेंसर कुछ भी नहीं कहता, बस विकी पिक्चर लेने लगता है। विकी आसपास बहुत सी बटरफ्लाई उड़ रही होती है जिस पर वी का ध्यान नहीं गया था। जब वो पीछे पलटता है तो इतनी सारी बटरफ्लाई को उड़ते देख उसके फेस में स्माइल आ जाती है। वी तो भी बहुत ज्यादा खुश था और लेंसर उसे खुश देखकर स्माइल करते हैं और उसके साथ सर भी लेता है। वो दोनों तो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों सही मायने में एक लवी डवी कपल लग रहे होते हैं। वी एक चट्टान के पास टिक कर बैठा हुआ था और लेंसर उसके पास बैठा हुआ था। वो बस वी को देखे जा रहा था। वो अपने एक हाथ को वी के हाथ के ऊपर रखता है। तब वी उसकी तरफ देखता है और अपनी भावे उठाकर इशारे में पूछता है, क्या हो गया? लेंसर बस वी की आंखों में देखे जा रहा था और वो उसके फेस की तरफ करीब पड़ता है। वो तो उसे किस करना चाह रहा होता है। वो इतने अच्छे टाइम को वेस्ट कैसे कर सकता है? वी की आंखें तो एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी तो हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। उन दोनों का तो गेम बिल्कुल खत्म होने ही वाला था और लेंसर बस वी को किस करने वाला था। इतने में लिली की आवाज आती है, तुम दोनों की जोड़ी तो डेविल और एंजल की तरह लगती है। ये सुनकर तो लेंसर रुक जाता है और वो लिली की तरफ देखता है जो कुछ दूर में खड़ी होती है। उसे देखकर कहता है, लिली तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो लिली कहती है, नहीं मैं तो नहीं जाने वाली। वो ऐसा कहकर एक नोटी स्माइल कर रही होती है। तब लेंसर कहता है, लिली मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ यहाँ से। तब लिली कहती है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करने वाली हूँ। ऐसा कहकर लिली अपने वाटर गन से लेंसर पर शूट करती है। लेंसर पूरा भींग जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, लिली। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, उसके कपड़े जो गीले हो गए थे। तब लेंसर जल्दबाजी में लिली के पास जाने लगता है। लिली तो डेविल स्माइल करती हुई वहां से चली जाती है और लेंसर जो कि जल्दबाजी में चल रहा होता है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह पानी में गिर जाता है। वी को तब थोड़ी हंसी आ जाती है और वो लेंसर को देखकर थोड़ा हंसता है। लेंसर तो पूरी तरह से नहा चुका था और वी बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लेंसर खड़ा होता हुआ कहता है, आह वी तुम उस पर हंस रहे हो। तो वी स्माइल करता हुआ कहता है, सॉरी लेंसर पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेंसर वी के ऊपर तब पानी फेंकने लगता है। तो वी उठकर वहां से दूर जाने लगता है। लेंसर के पानी फेंकने की वजह से वो थोड़ा भींग चुका था, अब वो भी पानी में आ जाता है और वो लेंसर के ऊपर पानी फेंकने लगता है। वो दोनों थोड़ी देर तक वैसे ही खेलने लगते हैं। फिर लेंसर वी को पकड़ लेता है और वो उसे किस करना शुरू कर देता है। तब वी उसे रोकते हुए कहता है, लेंसर अब हमें चलना चाहिए, हम काफी समय से यहाँ हैं। तब लेंसर हमें सही रहते हैं। फिर वो दोनों वापस पैलेस की तरफ आ जाते हैं। वो दोनों अपने रूम में होते हैं। वी अपने बालों को टॉवल से सुखा रहा होता है और लेंसर अपने कपड़ों की तरफ देख रहा होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, लिली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेंसर के ऐसे सडन चिल्लाने से वी लेंसर की तरफ देखता है। वो बहुत बुरी तरह से चौंक चुका था। वो देखता है लेंसर अपने कपड़ों को हाथ में लिए उसे देख रहा होता है। उसके कपड़ों की तो ऐसी की तैसी हो चुकी थी। लिली ने तो उसके कपड़ों को केजी से काट दिया था। लेंसर ने जिस कपड़े को अपने हाथ में लिया था उसे नीचे फर्श पर फेंकता है और गुस्से में लिली चिल्लाता है और वहां से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली उस कमरे में आती है। उसे देख वी कहता है, तुमने उसके कपड़े खराब किए सो ठीक है, पर तुमने मेरे कपड़े क्यों खराब कर दिए? अब मैं क्या पहनूंगा? मुझे तो ठंड लग रही है। वी अभी भी उन गीले कपड़ों में था। ये सुनकर लिली कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से आपके कपड़े हैं कौन से उसके कपड़े हैं, इसलिए मैंने सबको खराब कर दिया। फिर वो स्माइल कर दिया और कहती है, पर मैं आपके लिए कुछ न्यू रोप लाई हूँ, क्या आप उसको ट्राई करेंगे? ये सुनकर वी स्माइल करता है और यहीं पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में देखते हैं वी ने कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, पर उसे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि इस आज से पहले उसने कभी भी इस तरह के तो रोप पहने नहीं थे। तभी लिली कहती है, पर ये आप पर जस्ता है,
तब वी कहता है कि सच में? हाँ, और उसके फेस में बहुत ही प्यारी सी और चेयरफुली स्माइल होती है जो वी को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उसकी बॉन्डिंग तो लिली के साथ काफी अच्छी हो रही थी। उन दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, इतने में लैंसन वहाँ आ जाता है। उसने एक पुरानी सी टी शर्ट वेयर कर रखी थी और वो अभी भी थोड़ा गुस्से में था। वो लिली की तरफ देखता है, तब लिली वी के पीछे छुप जाती है और कहती है, ऐसे तो मुझे मत देखो, अपनी वाइफ को जरा देखो तो, मैंने उसे कैसा लुक दिया है, लग रही है ना बिल्कुल प्रिंसेस। लैंसन तो वी की ब्यूटी की वजह से पूरा मेस्मराइज हो गया था और वो उसी को देख रहा होता है। वो आगे बढ़कर वी के लिप्स पर अपने थंब को फहराता है और उसे प्रेस करता है, तब वी उसके थंब पर बाइट कर लेता है। तब लैंसन अपने हाथ को हटाता है और वी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखता है। वी तो उसे डट के साथ देख रहा होता है। लैंसन स्माइल करता है और वी के फेस को थोड़ा पकड़ता है और उसे हिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम पहले से कहीं ज्यादा ही ब्यूटीफुल लगते हो, पर इन रोप में तो तुम बहुत ही गॉर्जियस लग रहे हो। वो तो आगे बढ़कर वी के चिक्स पर एक सॉफ्ट सा किस कर लेता है और हल्के से बाइट करता है। वी कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वो बहुत शांत था। लिली तो वहाँ से जा रही होती है, तभी लैंसन उसके बालों को खींचता है। तब लिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लैंसन पर गुस्सा करती होती है। तब लैंसन दोबारा ऐसा करता है तो लिली तो पूरा भड़क जाती है। पास्टर कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और लैंसन पर हाथ उठाती है। वो तो उसे मार रही होती है, तब लैंसन उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, क्रेजी गर्ल, क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है? उन दोनों की तो आपस में तू तू मैं शुरू हो जाती है। वो दोनों तो एक दूसरे को ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। उन दोनों को आपस में ऐसे झगड़ते देख वी कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखते हुए मन में सोचता है कि लिली को तो लैंसन से कुछ भी डर नहीं लगता है, वो उसे इतना इंसल्ट कर रही है। उसके मन में ये बात भी आती है, आखिर लैंसन इस लिली को इतना बर्दाश्त क्यों कर रहा है? अगर लिली की जगह कोई और होता तो अब तक लैंसन उसका कचुम्बर बना चुका होता। और वो बस उन्हें झगड़ते हुए देख रहा था और यहीं पर सीन कट होता है। अगले सीन में देखते हैं वी यार्ड में घूम रहा होता है। वो अकेला बस ऐसे घूम रहा होता है, आसपास के नज़ारे देख रहा होता है। इतने में एक बनी उसके पैरों से टकरा जाता है। वी तो उसे देखकर अपनी गोद में उठा रहा होता है। वो बनी तो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो वी के हाथ में नहीं आता और वो जम करके वहां से जाने लगता है। वी उस बनी की तरफ ही देख रहा होता है जो झाड़ियों में कहीं खो गया था। तभी उसे अपने पीछे से डॉग की आवाज़ आती है। वो पीछे पलटने की हिम्मत नहीं कर पाता, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वो डॉग को फिर भोंकता है। उसकी आवाज़ सुनकर तो वी इवेंसिन करता है, वो डॉग काफ़ी बड़ा होगा, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, उसके नुकीले दांत होंगे। ये सब इमेजिन करके वो तो दौड़ने लगता है। वो तो आंखें बंद करके बस भागे जा रहा था, तभी वो किसी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से वो पीछे की तरफ गिरा होता है। तब जीपू जून उसे संभाल लेते हैं और कहते हैं, मास्टर वी, क्या आप ठीक हैं? वी तो डरते हुए कहता है, मेरे पीछे डॉग है। तब जीपू जून कहते हैं, मास्टर वी, आपके पीछे कोई भी डॉग नहीं है। तभी कुत्ते की भौंकने की फिर से आवाज आती है। तब वी कहता है, देखा, वो है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तब जीपू जून कहते हैं, मास्टर वे, आप चिंता मत कीजिए, वो आपके पीछे नहीं आएगा, वो सभी बंधे हुए हैं और वो इधर नहीं आएंगे। ये सुनकर तो वी थोड़ा देर फिर करता है और वो बस जीपू जून की तरफ देख रहा होता है। जीपू जून ने तो उसे अभी भी पकड़ के रखा हुआ था। तो वी कहता है, आप मुझे छोड़ सकते हैं। ये सुनकर वो उन्हें छोड़ते हैं। उन दोनों के बीच की सिचुएशन थोड़ी सी अपट हो रही होती है जो कि वी नहीं चाहता था। तो वो कहता है, गगा, आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए। ये सुनकर जीपू जून हमें सिर हिला रहे होते हैं। वैसे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लैंसन कहाँ है? ये सुनकर वी हंसते हुए कहता है, वो लैंसन ना लिली के साथ झगड़ा कर रहा था, तब अंकल ने उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख लिया था तो अंकल ने उन्हें पनिश कर दिया और वो दोनों अभी अपनी पनिशमेंट ले रहे हैं। वी तो ऐसा कहते वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। जीपू जून तो बस वी को ऐसे स्माइल करते हुए देख रहे थे। उसकी ये स्माइल जीपू जून को काफी फेमिनियर लग रही होती है और उन्हें किसी की याद आ रही होती है। वी का वही इनोसेंट फेस और वही प्यारी सी स्माइल, उनके भी फेस में स्माइल आ जाती है। तो भी वी कहता है, मैंने कभी भी लैंसन को इस तरह से किसी के साथ भी झगड़ते नहीं देखा। ये सुनकर जीपू जून कहते हैं, क्या सच में? पर लैंसन तो बचपन से लिली के साथ ऐसे ही झगड़ता है। बचपन से?
वी कहता है, तब जेपुचिन कहते हैं हाँ वो बचपन से ही एक दूसरे के काफी क्लोज है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा झगड़ते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बेस्टी हैं। ये सुनकर तो वी आगे कुछ बोल नहीं पाता, वो बस जेपुचिन की स्माइल को देख रहा होता है। तभी जेपुचिन कहते हैं, वैसे मास्टर वी आप इन रोप में काफी ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। ये सुनकर तो वी मुस्कुरा देता है और वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, जिसके कारण उसके गाल गुलाबी हो गए थे। ये देखकर तो जेपुचिन को रहा नहीं जाता और वो वी के गालों को खींचते हैं। वी तो बस उन्हें बस देखते ही रह जाता है। जेपुचिन को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है उन्होंने क्या कर दिया है, तो वो अपने हाथ को पीछे करते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, मास्टर वे मुझे माफ कर देना, वो आप इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। तो वी कहता है, इट्स ओके, वो तो काफी ज्यादा ब्लस कर रहा होता है। उसने अपनी नजरों को नीचे कर रखा था और वो अपने पैरों से सर का डॉग कर रहा होता है। तब जेपुचिन थ्रो कफ करते हुए कहते हैं, मैं अंकल को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वी तो उनके पीछे पीछे चलने लगता है। यहाँ पर यह सीन कट होता है। अगले सीन में वी जो डिनर कर अपने रूम में आता, वो बेड में ऐसे बैठा हुआ था। लैंसन उसके पास आकर बैठता है, तब तो वी नर्वस होने लगता है। वो बार बार अपने हाथों को रब किया जा रहा था। लैंसन उसके पैरों को सीधा करता है और फिर उसके पैरों पर अपना सर रखकर लेट जाता है। वी का तो मुंह बना हुआ था, तो लैंसन कहता है, क्या हो गया, तुम्हारा मूड कितना खराब क्यों है। वो ऐसा कहकर वी के गालों पर अपने हाथ फेरा रहा होता है। वी कुछ भी नहीं कहता है, कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तब लैंसन उसके हाथों को पकड़ता है और उसे अपने सर के ऊपर रखता है और उसे अपने बालों पर हाथ फेराने के लिए कहता है। वी तब ऐसा ही करता है, वो उसके बालों पे अपने हाथ फहरा रहा होता है, उसके बालों से वो खेल रहा होता है और वैसे ही कहता है, लैंसन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तुमने मुझसे मैरिज क्यों की। ये सुनकर लैंसन अपनी आंखें खोलता है और वो बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन के साथ वी को देख रहा होता है। तब वी कहता है, तुम तो गर्ल्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर थे, तो तुमने किसी गर्ल से मैरिज करने के बजाय मुझसे मैरिज करनी क्यों चाहिए। इस सुनकर लैंसन कहता है, वी क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम इस तरह की बचकान बातें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो लैंसन के पैरों पर अपना हाथ फेराना भी बंद कर देता है। तब लैंसन उठकर बैठ जाता है और मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात मैंने तुमसे पहले भी कही है। और वो वी के गालों पर फिर से अपने हाथ फेराने लगता है और कहता है, मेरे ख्याल से तुम उतने भी स्टूपिड नहीं हो जितना तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। जो मेरे इतने कहने के बाद भी तुम्हें ये बात समझ नहीं आती या फिर तुम्हें मेरे मुंह से मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ ये सुनना पसंद है। तब वी गुस्से में लैंसन के हाथों को झटकता है, क्योंकि लैंसन ने बातों ही बातों में उसे स्टूपिड कह दिया है। फिर लैंसन बहुत ही सेडक्टिव तरीके से कहता है, मेरी प्यारी वाइफ, अगर तुम्हें मेरे मुंह से ये सुनना पसंद है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें हजार दफा लव मेकिंग करते हुए कहने के लिए तैयार हूँ। वी आई लव यू। वो तो ऐसा कहते हुए वी की नेक पर किस करने लगता है। वी के तो पूरे गाल गुलाबी हो गए थे, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, उसका गला सूखने लगा था। लैंसन तो उसकी नेक को बुरी तरह से सक कर रहा होता है। वी उससे दूर होने की फिर कोशिश करते हैं, तब लैंसन उसकी नेक पर बाइट करता है, उसकी जो नेक है उससे बुरी तरह से खींच रहा होता है। वी को तो काफी दर्द हो रहा होता है, वो लैंसन का नाम पुकारता है। वो लैंसन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, तब लैंसन पीछे हट जाता है। तब वी उसे डरते हुए देख रहा होता है। लैंसन कहता है, वी क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, तुमने इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, इसे उतारो। ये सुनने के बाद वी कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और वो तो बेड से उतार रहा होता है। लेकिन लैंसन उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और वो तो वी की रोप की लेयर को निकाल रहा होता है। वी तब लैंसन को धक्का देता है और वो लगभग बेड से जबी कर देता है। लैंसन ने उसकी एक लेयर को निकाल दिया था, जिससे वी के थोड़े कपड़े ढीले हो जाते हैं। वी तो अपने कपड़ों को संभालता हुआ वहां से जाने लगता है। लैंसन कहता है, वी यहाँ वापस आओ। वी तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे जा रहा होता है। वो अपने कपड़ों को जैसे तैसे संभाल रहा होता है। लैंसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उठकर वी के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। वी चिल्लाता है, लैंसन उसे बेड में पटकता है, तो वी लोड होता हुआ बेड के उस पर चल जाता है। लैंसन कहता है, वी क्या तुम थोड़े ओबीडिएंट नहीं बन सकते हो। तो वी कहता है,
मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, तो आज मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत मत करो। वी के बहाने को सुनकर लैंसन अपनी भावे उठाता हुआ कहता है, वी मैरिज होने से पहले मैंने तुमसे कहा था, मैरिज होने के बाद मैं तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं सुनूंगा, क्या तुम इस बात को भूल गए? वी तो तब कुछ भी कह नहीं पाता। लैंसन बेड के ऊपर चढ़कर उस पर आने लगता है, तो वी दूसरी तरफ भागने लगता है और वो तो काफी ज्यादा शोर मचा रहा होता है, जिसे लैंसन काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था वी के ऐसे बिहेवियर से। वो वी को पकड़ के उसके माउथ को बंद कर देता है। वी तो छटपटा रहा होता है। यहीं पर ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।